अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन एंड होप यू ऑल आर वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट। एंड मैं एक्चुअली दराज से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मंगवाती रहती हूँ, कभी इनके साथ एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा हो जाता है, कभी इनके साथ बुरा होता है। सो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी दराज से और वो मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाह रही थी कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। सो मैंने कुछ पाउचेस मंगवाए थे, कुछ वॉलेट्स मंगवाए थे। सो आई विल जस्ट गेट ऑन स्ट्रेट टू द वीडियो। ये शॉर्ट वीडियो की, आई वॉन्ट बी गेटिंग टू डिटेल्स। और चलिए मैं अब आप लोगों को चीज़ें दिखाना शुरू करती हूँ, फिर मैं आपको इनकी प्राइसेस बताती हूँ। सो सबसे पहले ये जो है, ये मल्टीपर्पस पाउच है, स्टेशनरी एंड कॉस्मेटिक्स। सो दिस इज़ अ पाउच, इसकी जो लेंथ है वो ये है। और मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ अंदर से कैसा। अंदर से इट्स लाइक दिस, और इसकी ये एक पॉकेट है। सो यू कैन स्टोर लाइक लिटिल थिंग्स, यहाँ पे आप अपनी अगर सेफ्टी पिन्स रखनी हो, बॉबी पिन्स रखनी हो, वो चीज़ें रख सकते हैं। और इस पाउच में आपने अगर कोई भी, ये देखें इसमें काफ़ी जगह, इट्स एक्चुअली रियली स्पेशियस। और अगर आप इसमें ज़्यादा चीज़ें रखना चाहें ज़्यादा रख लें, वरना जस्ट कम रख लें। अच्छा, अब ये मैंने दो ऑर्डर किए थे और ये एक जो पाउच है ये था 250 का। सो ये 250 के हिसाब से आई थिंक ठीक है, इसकी प्राइस के हिसाब से इसका साइज़ जो है वो ठीक है, क्वालिटी भी इसकी सही है, इट्स नॉट बैड। क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, लाइक इसका जो कपड़ा है वो बुरा यूज़ नहीं हुआ, वाइट गुड। सो ये एक फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट था। ये है बीम्स डिज़ाइन, इसके ऊपर लिखा हुआ है, आई डोंट नो किस कंपनी का है, तो बीम्स डिज़ाइन इसके ऊपर लिखा हुआ है। दीज आर द टू पाउचेस, इनको आप एज मेकअप पाउच यूज़ कर लें, इनको एज स्टेशनरी पाउच यूज़ कर लें, या फॉर योर कोई भी पर्पस। अगर आपने छोटी छोटी चीज़ें इसमें रखनी है, तो कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपने इसमें अपनी सॉक्स वगैरह रखनी है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें रखनी है, यू कैन स्टोर दैट एज वेल। या अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपने इसमें कुछ भी रखना है, यू विल लिटरली स्टोर लाइक योर बॉडी स्प्रेज, योर परफ्यूम्स, योर रोल ऑन, इसमें आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। स्काई इज़ अ लिमिट, आप अपने हेयर स्टाइल, अपनी पोनीज वगैरह इसमें रख सकते हैं, बॉबी पिन रख सकते हैं, अपने कैचर्स रख सकते हैं, आप इसे अपनी ग्लासेस भी रख सकते हैं। ये काफ़ी मल्टीपर्पज टाइप है, यू कैन रियली यूज दिस। अच्छा, सेकेंड जो आइटम है वो है वॉलेट। सो ये वॉलेट जो है, दिस इज़ अ वॉलेट, एंड ये वॉलेट जो था ये था 499 रुपीज़ का। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इट्स नॉट बैड एट ऑल। अंदर से ये ऐसा है, इट्स ऑफ ब्राउन कलर, ये मैं निकाल देती हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं। अच्छा, इसके अंदर टू कंपार्टमेंट्स हैं, बीच में ये एक जिप टाइप है, ये जिप मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइक फजूल हल्के वाला नहीं है, इट्स एक्चुअली रियली गुड। ये 500 का मिला था। अब अजान हो जाए तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, आई एम गोइंग टू पॉज द वीडियो राइट हियर, आई विल बी बैक आफ्टर अजान। ओके, वेलकम बैक। सो थर्ड आइटम जो मैंने ऑर्डर करवाया है वो ये एक वॉलेट है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट आइटम, ये बहुत क्यूट है, इसका कलर भी इतना डिसेंट है। सो ये फॉर एवर मेमरी कोई ब्रांड है, ओरिजिनली फ्रॉम कोरिया। सो इसको मैं ओपन करती हूँ एंड मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द वॉलेट फ्रॉम इनसाइड, और इसके अंदर ये एक कंपार्टमेंट सा बना हुआ है, और ये वॉलेट बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैंने इस कंपनी का पहले भी वॉलेट एक ऑर्डर किया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने इतना वो रगड़ा है, ये मैंने पूरा साल ऑलमोस्ट यूज़ किया है। सो ये पूरा साल यूज़ करने के बाद इसकी ये हालत है। आई थिंक ये बहुत अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा, ये इसकी जो प्राइस थी ये भी 499 का था, बट आई गॉट दिस ऑफ आई डोंट नो रुपीज़ 700 और 800 इस तरह का। ये भी मैंने दराज से मंगवाया था, ये सारे चीज़ें, ये सारे आइटम जो है वो दराज से ही मैंने ऑर्डर करवाए हैं। सो ये भी मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था, ये काफ़ी एक्चुअली स्पेशियस था। इसमें ये था और ये इसके अंदर एक जिप भी है, वेट लेट मी शो यू। ये जो पिंक वाला है इसमें जिप नहीं है, बट इस वाले में अंदर जिप भी थी। सो ये अंदर से इसके एक जिप है, इसमें ये सूट बने हुए हैं, कंपार्टमेंट्स टाइप बने हुए हैं, और ये मैंने अंदर खुद रखा था कार्ड, ये था नहीं, ये मैंने किसी कैलेंडर में से काट लिया, क्योंकि ये पूरा प्लेन वाइट था और मुझे ना वाइट चीज़ें पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ कि ना बस कुछ कलरफुल सा होना चाहिए, सो मैंने इसके अंदर कैलेंडर से वो फ्लावर फाड़ के ना, तो मैंने इसके अंदर रख दिया था। और ये भी मैंने, ये मैंने बहुत रगड़ा है इस वॉलेट को। सो ये भी मैंने यहीं से मंगवाया था दराज से ही, और ये भी फॉर एवर, आई डोंट नो इस कंपनी का नाम क्या, इट्स ओरिजिनेटेड इन कोरिया, और इसका नाम फॉर एवर यंग है, इसका नाम है फॉर एवर मेमरी। सो ये दो वॉलेट जो है, ये भी सिमिलैरिटी में थोड़ी बहुत आपको नजर आ रही होगी, ये भी दराज के हैं। सो बेसिकली ये फोर आइटम्स थे जो कि मैंने दराज से ऑर्डर करवाए थे, और मेरे सारे, ये तो खैर ये तो पुराना है, इसको चलो हम एक्सक्लूड कर देते हैं। ये तीन आइटम्स थे, न्यू आइटम्स थे जो कि मैंने दराज से ऑर्डर करवाए हैं। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगर आपको डिटेल्स चाहिए कि मैंने किस जो सेलर है उधर से ऑर्डर किया है या उनका लिंक क्या है, प्लीज़ कमेंट करें, मैं आप लोगों को बता दूंगी, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड नहीं कर रही अभी, एज ऑफ नाउ मेरा कोई प्लान नहीं है डिस्क्रिप्शन में ऐड करने का। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि ये मैंने कहाँ से मंगवाई है, अगर आपको लिंक चाहिए इनके, तो प्लीज़ कमेंट करें, आई विल रिप्लाई यू, आई विल लेट यू नो द लिंक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू डिड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करूँ उसके मैं आप लोगों को दिखाती रहूँ कि चीज़ें मैंने क्या कहाँ से मंगवाया, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, सो आई विल बी शोइंग यू एज मोर स्टफ लाइक दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ यूरसेल्फ, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।